फाइनली गाइस इतना वेट करने के बाद मेरा पीसी बिल्ड हो चुका है, मैं उसके लाइव स्ट्रीम देख ली है और 5 से 7 दिन बाद उनको डिलीवर भी हो जाएगा। आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं, मैंने बिटकार्ट पे 15 अगस्त को एक पीसी बिल्ड का ऑर्डर दिया था, कस्टम पीसी बिल्ड था, तो वो क्या कहते हैं मुझे कुछ 86,000 रुपीज़ में पड़ा था। और उस पीसी का मैं कब से वेट कर रहा था कि पीसी आ जाए ताकि मैं अपने भी गेम चैनल शुरू कर दूं, मैं भी कुछ लाइव स्ट्रीम कुछ लाइक GTA 5 कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन टाइप में जो गेम्स हैं उनको अपलोड करूं, उनके स्ट्रीम रिकॉर्डेड स्ट्रीम या फिर स्ट्रीम करके और अपलोड करूं। तो मैं इसका वेट बहुत दिन से कर रहा था, बट अब फाइनली जाके क्या कहते हैं मुझे कल कॉल आया, क्या कहते हैं आपका हम पीसी बिल्ड करना जा रहे हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चाहिए। तो हमने फिर मैंने बोला कि मैं अभी 2500 पे कर देता हूँ, उसके बाद में बाकी जो लेफ्ट है उसको कैश ऑन डिलीवरी और बाकी पेमेंट ऑनलाइन कर दूंगा। तो उन्होंने कल बोला क्या कहते हैं कल हम अभी हमारा ऑफिस क्लोज हो रहा है तो हम आपको कल सुबह जैसे स्टार्टिंग होगा सबसे पहला जो पीसी बिल्ड होगा वो आप ही का होगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब सुबह सुबह जस्ट क्या कहते हैं मुझे 9:30 बजे कॉल आया, क्या कहते सर आपका पीसी बिल्ड हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। तो मैंने लाइव स्ट्रीम पूरा प्रोसेस देखा, उन्होंने हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया कि आपने ये सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट किया, पूरा जैसे वो क्या कहते हैं हॉट ग्लू गन से कैसे उसको अटैच करते हैं, मतलब लॉक करते हैं, मतलब आपसे अगर कहीं से वायर लूज हो तो वो लूज से भी सब कुछ उसमें दिख सकते हैं एग्जैक्टली। वो अप्रॉक्स 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया, क्या कहते हैं पीसी बिल्ड करने में, कंटिन्यूस देख रहा था क्या हो रहा था कैसे। तो अब चलते फ्रेंड मैंने कौन कौन से कंपनी ने अपनी पीसी बिल्ड में लिए वो बताते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं लाइव स्ट्रीम दिखाऊंगा कि कैसे मेरा पीसी बिल्ड हुआ है। तो सबसे पहले बात करते प्रोसेसर की, तो मैंने यहाँ पे Ryzen 5 3600X लिया है। ये प्रोसेसर 20,500 रुपए में आपको मिल जाएगा, अगर मैं Amazon की बात करूँ तो खूब 22,500 रुपए में आपको मिल जाएगा इजीली। अब फ्रेंड बात करते हैं कि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि मैंने 3600 को नहीं लिया, 3600X को क्यों लिया, 3600 अच्छा प्रोसेसर है और 3600 थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉस्टली प्रोसेसर है। तो मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स प्राइस अगर डिफरेंस करें तो 2,000 डिफरेंस है, 2 या 1.5 हज़ार का, जहाँ पे अगर मान लीजिए 18,500 में आपको वो पड़ रहा है तो आपको 20,000 में वो पड़ जाएगा, तो 1,500 मान लीजिए सपोज कीजिए। तो इसको लेने का फायदा क्या बताता हूँ फ्रेंड, इसमें जो आपको बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक मिलती है 3600X में वो ज्यादा मिलती है कंपेरिजन टू 3600 में। तो आपके जो कोर्स और थ्रेड्स हैं वो क्या कहते हैं उसी स्पीड पर रन करेंगे जिसमें आपको प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया। लाइक अगर मैं सबको एग्जांपल दूं तो अगर इसमें 3600X 4.6 GHz की क्या कहते हैं मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक है तो आपके जितने भी प्रोसेसर है वो 4.6 GHz पे चलेंगे। और अभी मैं वही बात को क्या कहते हैं Ryzen 3600 का तो वो 4.4 GHz पे, तो आपके जितने भी कोर्स और थ्रेड्स हैं वो 4.4 GHz पे मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक पे चलेंगे। तो इससे समझ सकते हैं आपको परफॉर्मेंस किसमें ज्यादा बेटर मिलेगी 3600X में, क्यों इतना ज्यादा कॉस्टली है, क्यों वो 1,500 रुपए को, अगर 1,500 आपके लिए मैटर नहीं करते तो आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हैं, बट अगर आपको प्राइस सेव करना है 1,500 रुपए तो आप इसे कंसिडर, पर मैंने इसे कंसिडर किया। अब चलते क्या कहते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो है मदरबोर्ड, तो मैंने मदरबोर्ड लिया MSI का B450 Tomahawk Max। ये फ्रेंड्स अब वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है, 13,500 रुपए के प्राइस में मुझे टैग पे मिला और ये क्या कहते हैं इसकी परफॉर्मेंस वो जब बात करें तो बहुत ही अच्छी है। इसमें आप ओवरक्लॉकिंग इजीली कर सकते हैं, इसमें Ryzen 7 3700 जैसे प्रोसेसर भी इजी आप लगा सकते हैं और आने वाले टाइम पे जब Ryzen के 4th जनरेशन सीरीज होंगे तो उसको भी आप BIOS अपडेट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि B450 की सीरीज जो मदरबोर्ड है उसके अंदर Ryzen के 4th जनरेशन सीरीज सपोर्ट करेंगे BIOS अपडेट करने के बाद, तो इसलिए मैंने इसको परचेज किया, इसका प्राइस ठीक था। अगर मैं B550 की मैं बात करूँ तो उसका प्राइस कुछ 18-19,000 रुपये था, तो मैंने बोला इतना वर्थ नहीं है मेरे को 4th जनरेशन में अगर अपग्रेड ही करना है तो मैं क्या कहते हैं उसको BIOS अपडेट करके कर सकता हूँ, या फिर जब Ryzen 3 3700 का प्राइस कम हो जाएगा तो मैं उसमें स्विच कर जाऊँगा, तो मेरे को 8 कोर 16 थ्रेड मिल जाएंगे तो मेरे लिए परफॉर्मेंस बहुत स्टिल है, जितना मेरे को काम है उतने के लिए मच बेटर है। तो इसलिए मैंने MSI B450 Tomahawk Max लिया था कि मैं थोड़ा बहुत स्लाइटली ओवरक्लॉकिंग कर सकूं अपने प्रोसेसर को। अभी मैंने क्या कहते हैं इसके अंदर सिर्फ स्टॉक कूलर लिया है, मैंने कोई AI कूलर या फिर कोई डेडिकेटेड थर्ड पार्टी कूलर नहीं इंस्टॉल किया है क्योंकि मेरे को जो परफॉर्मेंस चाहिए था मेरे को स्टॉक कूलर आराम से इजीली दे देगा। इन फ्यूचर मेरे को थोड़ा पैसा होगा तो मैं AI के साथ में चला जाऊंगा, बट अभी के लिए मैंने सिर्फ स्टॉक कूलर ही लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर, वो है क्या कहते हैं हमारा रैम। तो यहाँ मैंने ADATA की 32 MHz की फ्रिक्वेंसी की 8 GB की 2 स्टिक मैंने यूज की, टोटल 16 GB की। तो इसमें जो मेरा डे टू डे लाइफ का जो टास्क है लाइक वीडियो एडिटिंग, गेम खेलना और अदर लाइक स्ट्रीमिंग वो सब इजीली करा देगा, 16 GB मिले नहीं है और इस मदरबोर्ड में 2 स्लॉट्स खाली हैं, तो मैं इजीली इन फ्यूचर 2 और 8 GB की स्टिक लगा सकता हूँ 32 MHz में, तो 32 GB तक आराम से मिल जाएगा। और 32 GB आपके लिए फ्रेंड्स 8 से 10 साल तक के लिए मच मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होगी नहीं, तो इन फ्यूचर मैं अपग्रेड करने की सोच कर सकता हूँ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो है SSD, तो मैंने यहाँ पे लिए है सैमसंग 970 EVO Plus 500 GB। तो इसके जो प्राइस पड़ा 10,500 रुपीज, ये फ्रेंड अभी तक की मार्केट में अवेलेबल सबसे फास्टेस्ट SSD है। इसके पीछे के रीजन है, देखिए जब कंपनी कोई चीज क्लेम करती है लाइक उसने बोला कि अगर इसमें 3300 MBPS की स्पीड मिलेगी तो डेफिनेटली उसका आधा कर दीजिए आपको, मतलब वो 1.5 GB से 2 GB की स्पीड आपको इजिली मिल जाएगी।
जितने भी गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं या फिर गेमिंग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उनसे आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं इस समय मार्केट में कौन सी सीडी अवेलेबल है, तो वो यही रेकमेंड करेंगे अगर आपका बजट है तो 970 ईवो पर चले जाएं, क्योंकि फिर आपका जो मेन डेटा होता है वो उस एसएसडी के अंदर होता है, अगर वो एसएसडी कुछ करप्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका सारा सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर एक एसएसडी पे अच्छा पैसा थोड़ा सा लगा देना चाहिए, क्या कि देखिए ग्राफिक कार्ड अगर कोई डैमेज हुआ तो कंपनी से रिप्लेस हो जाएगा, तो मैं आपको कोई डेटा नहीं जाता, मदरबोर्ड डैमेज हुआ तो मदरबोर्ड क्या कहते हैं रिप्लेस हो जाएगा, कंपनी से आपको कोई डेटा नहीं जाता। बट वहीं अगर आपका एसएसडी डैमेज हुई तो उसका डेटा रिकवर करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा एसएसडी में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके मैंने एसएसडी ले लिया। अब चलते फिर अपने मेन कंपोनेंट के ऊपर जो है कि जीपीयू, तो मैंने यहाँ पे लिया है आरटीएक्स 2060 गीगाबाइट की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, मैंने यहाँ पे 2060 सुपर नहीं लिया, 2060 लिया है जो कि नॉर्मल 6GB वेरिएंट के साथ आता है, उसको लिया है। अब इसके पीछे मेरे दो रीजन थे। पहला, मेरे पास कोई क्या कहते हैं अटेंडेंटिटी 144Hz वाला कोई मॉनिटर था नहीं, और मैं उसमें खरीदना नहीं चाहता कि मैं 144Hz के मॉनिटर में खेलूँ, क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा हाई रिफ्रेश की गेमिंग खेलनी नहीं है। तो मैं नॉर्मल मेरे पास क्या कहते हैं एलईडी टीवी है 22 इंच की सैमसंग की, तो वो 60Hz पे है, 1080p 60Hz, तो मेरे लिए मजबूर था इनफ है कि मेरे को वो गेम करा देगी, क्या कहते हैं जो वीडियो एडिटिंग का टास्क है वो इजीली करा देगा। तो मैंने सोचा 2060 के सुपर के साथ जाना बेकार होगा, क्यों उसमें कम से कम 7000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे थे क्या कहते हैं उस जीपीयू के ऊपर। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को अपग्रेड ही करना है, अगर मान लो फ्यूचर को लेना ही है, तो मैं 30 सीरीज के साथ चला जाऊंगा, 30 सीरीज जब प्राइस कम हो जाएंगे तब मैं उसको अपडेट कर लूंगा, बट अभी तो 2060 जो है मेरा मत सारा काम इजीली करा देगा, तो मैं क्यों फालतू कहकर 7000 रुपये एक्स्ट्रा दूँ, क्योंकि लॉन्च होने के बाद मुझे पता चल गया था इसका प्राइस क्या है। अभी 3070 क्या कहते हैं चल रहा है, 3070 का प्राइस 51,000 है। अब 3060 कब आता है या 3050 कब आता है कोई कन्फर्म नहीं है, हो सकता है इस साल आए अगले साल है, कोई कन्फर्मेशन किसी के पास है नहीं, बट ये है कि अभी 3070 50,000 का मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 50,000 एक 3070 के लिए रखो। तो मेरी 2060 मजबूत इनफ है, और जिस प्राइस तक मेरे को मिला वो एक रीजनेबल प्राइस है, 26,000 रुपये मिल गया, तो मैंने बोला ठीक है डील है। अभी थोड़े प्राइस बढ़े हैं पर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ, क्योंकि मैं वेट करूंगा तो जितना वेट करते जाएंगे टाइम उतना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, तो इसलिए मैंने 2060 को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आपको पैसा है 2060 सुपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ये सर्च करूँगा 2060 आप देख सकते हैं कोई बेटर डील नहीं है, 26,000 में अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है, क्योंकि फ्रेंड हाई एंड ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस कम हुए हैं, मिड रेंज के जो ग्राफिक कार्ड उनके प्राइस में कोई भी आपको डिस्काउंट दे रहा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मिड रेंज के जो ग्राफिक कार्ड्स हैं वो लॉन्च हुए ही नहीं है, जब वो लॉन्च हुए ही नहीं तो उनकी जगह कौन लेगा, अगर हाई एंड जो ग्राफिक कार्ड लॉन्च हो उनकी जगह लेने के रिप्लेस के 30 सीरीज के तो आ गए, पर मिड रेंज के जो ग्राफिक कार्ड है उनके लिए रिप्लेस करने कोई भी ग्राफिक कार्ड लॉन्च नहीं हुए हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं उनके जो प्राइस हैं वो अभी भी स्टेबल हैं, ना तो क्या कहते हैं कम हो रहे हैं ना ज्यादा हो रहे हैं। हाँ कहीं कहीं आपको डील्स में क्या कहते हैं कम देखने को मिल रहा है, बट अभी वो स्टेबल पर चल रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर जो है कि पीएसयू, तो मैंने यहाँ पे पीएसयू कोर्सेर का 550W का लिया है। मेरे जो कंपोनेंट्स हैं उनको इतनी पावर सप्लाई करने के लिए मजबूर है, इनफ में कुछ ज्यादा की रिक्वायरमेंट थी नहीं, और क्या कहते हैं 650W 750W इन फ्यूचर अगर हमको चाहिए होगा तो मैं इनको डेडिकेटेड ले लूंगा, बट अभी के लिए 550W इजी था तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब चलते हैं फाइनल कंपोनेंट के ऊपर जिसके पूरा एक कंप्यूटर जो है वो असेंबल्ड होगा, तो वो है मैंने एनटेक का NX800। ये अभी तक बेस्ट कैबिनेट है क्या कहते हैं अगर उसकी एयर फ्लो की बात करो तो, ये फ्रेंड्स आपको 6800 की प्राइस टैग पे मिल जाएगा इजीली। आप ओवरऑल टोटल कॉस्ट करें तो मेरे को ये पूरा अप्रॉक्स पूरा बिल्ड पड़ा है 86,000 रुपीज का। यह फ्रेंड 86,000 रुपीज में ये मेरे को बिल्ड कंप्लीट पड़ा है, जिसके अंदर मैंने मदरबोर्ड कैबिनेट सब कुछ लिया। तो अब चलते हैं फ्रेंड लाइफ स्टाइल देख लेते हैं।
तो होपफुली फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना हमारे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के। थैंक यू, जय हिंद।